नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में 67 लोग पॉजिटिव, 153 हुए ठीक, जानिए डिटेल्स। हिमाचल में बहुत दिनों के बाद रविवार को कोरोना के आंकड़ों में कमी नजर आई। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए जबकि 153 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए। राहत भरी खबर यह है कि किसी कोरोना संक्रमित ने दम नहीं तोड़ा। हिमाचल में कोरोना का कुल आंकड़ा 2,19,400 पहुंच गया जबकि ठीक होने वालों का आंकड़ा 2,14,246 है। प्रदेश में इस समय 1,472 एक्टिव केस हैं। अब तक प्रदेश में कोरोना डेथ का आंकड़ा 3,665 है। हिमाचल में कोरोना रिकवरी रेट 97.65% है जबकि कोरोना डेथ रेट 1.667% है। जयराम बोले, पटक पटक कर मारना तो पहली बार सुना, ऐसे शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं। प्रदेश में इस समय कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह के बयान पर बवाल मचा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस पूरे प्रकरण पर अपनी सफाई दी है लेकिन सोशल मीडिया पर वो पूरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो विधायक विक्रमादित्य को कोई भी सलाह नहीं देना चाहते। विक्रमादित्य पहली बार विधायक बने हैं जबकि वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत ही सरकारें देखी हैं। उन्होंने व्यंगात्मक ढंग से इस बात का जवाब देते हुए कहा कि जब वो पहली बार विधायक बने हैं तो इससे पहले जिन सरकारों को देखने की वो बात कर रहे हैं तो शायद वो अपने पिता के समय की सरकारों की बात कर रहे हैं। ट्रेन की चपेट में आया युवक, कट कर कर कई हिस्सों में बटा शरीर, दर्दनाक था मंजर। हिमाचल के कांगड़ा जिले में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना खतरनाक था कि युवक का शरीर कट कट कर कई हिस्सों में बट गया। यह ऐसा कहें कि शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया। हादसा विकासखंड इंदौरा के तहत आते कंदरोड़ी रेलवे स्टेशन के पास पटरी पर देर रात को हुआ। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस कंदरोड़ी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी। बच्चों की स्वदेशी वैक्सीन के पहले बैच को मंजूरी, जल्द उतरेगी बाजार में। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों के लिए बहुप्रतीक्षित वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। जायडस कैडिला कंपनी की स्वदेशी वैक्सीन जायकोव डी को मान्यता देने वाली सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी कसौली ने मंजूरी दी है। ये बच्चों का पहला और कुल तीसरा भारतीय टीका होगा। मंजूरी मिलने के बाद अब कंपनी डीएनए आधारित कोरोना वैक्सीन को मार्केट में उतारेगी। विक्रमादित्य बोले, सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कर्मचारियों और अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान को सोशल मीडिया में तोड़ मरोड़ कर पेश करने पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें बदनाम करने की भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि ये वीडियो कट पेस्ट कर लोगों को भ्रमित करने के लिए भाजपा ने जारी किया है। भाजपा सरकार में अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। बीपीएल में रहना है तो देना होगा शराब छोड़ने का शपथ पत्र। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की ग्राम पंचायत लंबलू में शराब पीने वालों को बीपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। शनिवार को हुई ग्राम सभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया। रोजाना शराब पीकर हुड़दंग मचाने के कई मामले पंचायत के समक्ष पूर्व में भी आ चुके हैं जिसके बाद पंचायत प्रधान की पहल पर सभा ने ये प्रस्ताव पारित किया। हिमाचल में 3 दिन तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किया गया जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य रहा। राजधानी शिमला सहित आसपास के पर्यटक स्थलों में रविवार को धूप खिली रही और पर्यटकों की भीड़ उमड़ी पड़ी रही। कंगना के सवाल पर सीएम जयराम बोले, कार्यकर्ता को मिलेगा टिकट। शिमला से धर्मशाला जाते समय घुमारवी के विश्राम गृह में थोड़ी देर के लिए रुके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चारों सीट्स पर होने वाले उपचुनाव के लिए जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करने की बात कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा चुनाव समिति की बैठक में चारों सीट्स पर उम्मीदवारों का नाम तय कर जल्द ही घोषणा की जाएगी। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में प्रतिभा सिंह का नाम लगभग तय होने पर अभिनेत्री कंगना को चुनाव में उतारने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव समिति की बैठक में ही नाम तय होने हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को ही चुनाव में टिकट दिए जाने का दावा किया है। हिमाचल की सरू झील निहारने गए 4 युवक रास्ता भटके, पुलिस ने आधी रात को किया रेस्क्यू। चांचल की खूबसूरती निहारते शिमला से आए 4 युवक घनी धुंध की वजह से रास्ता भटक गए। युवकों को चिड़गांव पुलिस ने आधी रात को रेस्क्यू किया लेकिन रात के समय यहां से सड़क तक पहुंचना मुश्किल था लिहाजा रेस्क्यू किए गए युवकों और पुलिस टीम ने पूरी रात बड़े पत्थरों पर बिताई। पुलिस के अनुसार शनिवार शाम चांचल घाटी
सरू झील की ओर से ये युवक निकले थे। इसमें राघव, कार्तिक, शिवा और आर्यन शामिल थे। रास्ता भटकने के बाद इन युवकों ने आपातकालीन सेवा 112 पर कॉल की। सूचना शिमला से चिड़गांव थाने को मिली तो रात करीब 9:30 बजे पुलिस की टीम युवकों को खोजने के लिए निकल पड़ी। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया बोले, कांग्रेस डूबता जहाज नहीं करेंगे उसकी सवारी। पूर्व मंत्री विजय सिंह मनकोटिया ने रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उनकी सवारी किसी भी हालत में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा में 15 से 13 सीट्स पर कांग्रेस के एक ही परिवार के सदस्य लगातार चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रकरण के लिए पाकिस्तान और चीन को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इन दोनों देशों ने नवजोत सिंह सिद्धू को मोहरा बनाया। उन्होंने कहा कि फतेहपुर क्षेत्र से उन्हें पत्र आए हैं जिसमें कहा गया है कि जिला कांगड़ा के 15 सीट्स में से 13 पर ही एक परिवार के लोग कांग्रेस प्रत्याशी बनते आ रहे हैं। शिव मंदिर के गर्भगृह में नेताओं की पूजा बनी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय। ऐतिहासिक शिव मंदिर के गर्भगृह में एक पार्टी के विधायक और अन्य उच्च पदाधिकारियों की ओर से पूजा अर्चना करने को लेकर सोशल मीडिया में बवाल खड़ा हो गया। सोशल मीडिया में मंदिर के गर्भगृह में नेताओं की पूजा अर्चना करने को लेकर डाली गई पोस्ट में कहा गया कि कोविड काल में शिव मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने का अधिकार मात्र बड़े नेताओं को है या फिर एक आम आदमी भी पूजा अर्चना कर सकता है। पोस्ट में सरकार मंदिर ट्रस्ट व प्रशासन से आम आदमी के लिए भी मंदिर के गर्भगृह में पूजा अर्चना करने की अनुमति देने का आग्रह किया गया। सोशल मीडिया पर डाली गई इस पोस्ट में लोगों ने मंदिर के गर्भगृह आम आदमी के लिए खोलने का समर्थन किया है या फिर किसी भी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। एक साल में 6.5 लाख वाहन हुए आरपार, 4 गुना अधिक बड़ा ट्रैफिक। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और देश विदेश के सैलानियों का आकर्षण बनी अटल टनल रोहतांग का लोकार्पण हुए रविवार को एक साल का समय पूरा हो गया। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल देश को समर्पित की थी। अटल टनल रोहतांग से लाहौल जाना बेहद आसान हो गया, इससे सेना को भी मदद मिली है। ऊना के बॉल में 24 कनाल भूमि पर बनेगा बैम्बू विलेज, सैकड़ों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला मुख्यालय के साथ लगते बॉल में 24 कनाल भूमि पर बैम्बू विलेज स्थापित किया जाएगा। जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बैम्बू विलेज में बांस से बनने वाले टूथब्रश का लघु प्लांट, बैम्बू नर्सरी व बैम्बू पार्क का निर्माण किया जाना है। बैम्बू विलेज बनने से क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।